कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं। मैं शादी करूँगी तो डंकी की चोट पे करूँगी, मैं झूठ नहीं करती। रिक्वेस्ट, I'm a matured woman, please next time ask before spreading such rumors. It's all fake. ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया ने ऑलरेडी इतनी खबरें उड़ा दी हैं कि मुझे जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दिस इज ब्रांड इम्पैक्ट गोल्डन ग्लोरी अवार्ड 2019 फॉर मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑन इंडियन टेलीविजन एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी फॉर दिस एंड बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है तो एंड स्पेशली अवार्ड जिससे मिलता है उसके पास से मतलब जो अवार्ड सम्मानित करता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज फर्स्ट टाइम आई हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम प्रीति ज़िंटा एंड आई रियली लव हर अडोर हर एंड शी वाज लुकिंग ड्रॉप डेड गॉर्जियस लाइक ऑलवेज। अच्छा जल्दी ना मैम, आप कितनी एक्साइटेड रहती क्योंकि अक्सर देखा गया है शो में भी चाहे मैसेज ले लीजिए तो आप बहुत एक्साइटेड हैं। नवरात्र में हमेशा खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, गुजरातियों का तो त्यौहार होता है, लेकिन लास्ट पास्ट फ्यू ईयर्स में हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ एक एक्टर्स की नवरात्रि होनी चाहिए। हु रियली लाइक्स प्लेइंग गरबा और मुझे हमेशा मौका नहीं मिलता है। बिल्डिंग में चली जाती हूँ कभी कभी, बट मोस्टली आई एम शूटिंग और बिजी विद समथिंग। मैं तो बहुत कुछ सुन रही हूँ एंड आई बीन लिटिल अपसेट फॉर सम रीज़न एंड आई थिंक आई हैव राइट्स टू बी अपसेट कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे भी तय कर दिए जाएंगे, मुझे ऐसे आई थिंक हु एम आई देन। मेरी भी कुछ आई एम टुडेज गर्ल, आई हैव ऑल द राइट्स टू रोम आउट विद हुएवर आई लाइक एंड आई थिंक अ मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आई हैव ग्रोन एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद माई एक्सपीरियंस एंड अगर मैं ये इतना ब्यूटिफुल चीज़ करूँगी, मैं शादी करूँगी इन फ्यूचर, मैं छुपाऊँगी क्यों? आई डोंट सी एनी रीज़न टू हाइड फ्रॉम द पीपल आई हैव बिन विथ जो मेरे करियर में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसको मन दुख हो जाए। एज अ वुमेन आई हैव स्ट्रगल्ड स्टिल स्टैंडिंग टॉल एंड आई हैव नथिंग रॉन्ग दैट कि मैं झुक के या चोरी से या क्राइम करूँ। जो भी किया है आज तक खुले में किया है और मुझे ऐसा लगता नहीं है दैट कि आपको भी मुझे कोई ऐसा मौका देना चाहिए। बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई एम टॉकिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई हैव नेवर डन दिस, सो प्लीज़ डोंट हर्ट मी एनीवेयर। मैं शांत नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट योर जॉब, बट मुझे पूछ लो ना आप एक बार, मुझे भी पता है आई हैव अ फैमिली विच आई हैव क्रिएटेड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स एंड आई हैव अ माई प्योर फैमिली एंड आई थिंक द टॉपिक विच यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में कभी झूठ भी बोलूँगी। अगर मैं शादी करूँगी तो डंकी की चोट पे करूँगी, शादी तोड़ी भी थी तो मैंने सबके सामने तोड़ी थी, क्योंकि तो मैं झूठ नहीं करती और मुझे कोई ऐसी लगता नहीं है कि इट्स माई लाइफ, आई कैन टेक अ राइट डिसीजन विच इज़ गुड फॉर एवरी वन। मुझे बस हर्ट कर जाती है ऐसी न्यूज़ जब बाहर आती है ना, तो इट्स जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम अ मैच्योर्ड वुमन, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आस्क बिफोर स्प्रेडिंग सच रूमर्स। थैंक यू। It's been very good to come here. It's very enjoyable to go in each and every awards. I enjoy a lot, and this is especially this is organized by a good friend of mine, Om. So that's why I've come here.
सच ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं हमेशा ऐसे ही घूमता हूँ एक्चुअली। आपकी और रश्मि की फ्रेंडशिप को देखते हुए सब लोग काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे आप उसमें? देखिए काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वी आर वो सब इट्स ऑल फेक, ऐसा कुछ नहीं है। और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और पता नहीं ये मीडिया कहाँ से ले आती है कि हम लोग शादी कर रहे हैं और हम लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जल्दी बिग बॉस भी आने वाला है, तो उसके लिए आप कितना एक्साइटेड रहते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ बिग बॉस के लिए आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बिकॉज आई हैव नॉट साइंड द कॉन्ट्रैक्ट एज येट। अगर मैं बिग बॉस में अगर जाऊँगा तो आप लोगों को दिख ही जाएगा, वैसे अभी तक ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि मीडिया ने ऑलरेडी इतनी खबरें उड़ा दी हैं कि मुझे जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। You're most welcome.